200 करोड़ सिर्फ इस समझ के लिए डाले कि क्या मैं ई कॉमर्स कर सकता हूं क्या? आप डाल सकते हो 2 करोड़। बच्चों के एजुकेशन के लिए भी हम क्या लेते हैं? एजुकेशनल लोन लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए उन्होंने 200 करोड़ डाले कि क्या मैं ई कॉमर्स बिजनेस इंडिया में कर सकता हूं क्या? ये समझने के लिए सब इंडस्ट्रीज इनके पास है और आज इन्होंने फूड इंडस्ट्री जो ई कॉमर्स है उसको भी वायर कर दिया है। इज अ जायंट, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। तालियां होनी चाहिए क्योंकि हमारे लिए भी इनको कितने लोग जानते हैं? गोदरेज। तालियां होनी चाहिए। गोदरेज क्या करने से पहले लॉकर ताला मिलता है। गोदरेज का ताला बहुत प्रसिद्ध है। अभी ताले के बाद कौन से बिजनेस में आया है? घर बनाने के बिजनेस में। पहला ताला मिलता था ना, गोदरेज का ताला है सिक्योरिटी। अभी घर भी, रियल इंडस्ट्री में भी, रियल एस्टेट में भी आज गोदरेज का प्रोजेक्ट हर जगह पे चलता है और हम उस पर विश्वास करते हैं बिकॉज उनका ब्रांड उन्होंने क्या किया है, अपग्रेड किया है। लॉकर है, कपबोर्ड है, उनका फ्रिज आता था, टॉयलेटरी सोप भी आता है, हेयर कलर आता है, शेव लोशन आता है और रियल इंडस्ट्री में भी है। कोई जगह छोड़ी है कमाने की? कोई छोड़ी है गुंजाइश? जो सोर्स है, लगता है मैं सर्विस दे सकता हूं, वहां से पैसे ले रहे हैं। लाज वगैरह का बटन नहीं है ना। ताला बेच रहे थे, हेयर कलर बेच रहे हैं और अभी घर भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत शान से ब्रांड से दे रहे हैं। एक बिग अंपायर खड़ा करना है तो हमको क्या क्या चाहिए? पहले एक कल्पना, आइडिया चाहिए। कोई कल्पना नाम की लड़की है क्या यहाँ पे? नहीं तो बोलेगी मैं चाहिए करके। एक ऐसा आइडिया जो समाज के लिए काम करे, जो परिवार के लिए काम करे, जिसका होने से, जिसके अस्तित्व से कुछ अलग चीज हो, ऐसी आइडिया चाहिए। बहुत सारा निवेश, ह्यूज कैपिटल, ह्यूज कैपिटल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अपना ऑफिस, अपना फैक्ट्री, अपना पूरा सेटअप चाहिए। एक कॉम्पिटिटिव ह्यूमन रिसोर्सेज, सबसे बढ़िया वहां पे गल्ले पे काम करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो तन मन धन से वो काम कर सके, अपना पूरा ब्रेन उस पर डाल दे, अपना पूरा एजुकेशन, पूरा अपना टाइम, अपना फ्यूचर इसमें डाल दे, ऐसा ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। मार्केटिंग चैलेंजेस बहुत आते हैं। पहले दिन अभी खाना वर्ष होता है, उसके बाद खाना वर्ष समझते हो ना, घर का खाना मिलता है वो, जब हम कहां से आते हैं और घर बार को गांव में छोड़ के आते हैं तो हम क्या ढूंढते हैं? इधर तो घर का खाना मिले। फिर उसके बाद क्या आया? भजी पाव मिलेगा क्या, बड़ा पाव मिलेगा क्या, फिर उसको समोसा में चेंज हो गया ना। फिर हम सैंडविच ढूंढने लगे, मुंह में पानी आ रहा है गुप्ता जी, अरे इसमें नाक तो करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या आने लगा? सैंडविच के बाद ग्रिल, यस पिज्जा। मैडम उस दौरान से गुजरी है, पिज्जा, बर्गर, और अभी क्या है? शोरमा, और फिर वो और क्या आता है? फ्रैंकी। हाँ, मोमो के शॉप्स लगे हैं। ये मार्केटिंग चैलेंजेस, इट चेंजेस द मार्केट ट्रेंड, चेंज होता रहता है। लोगों की आदत, लोगों की सर्विस की इच्छा, जो भी चाहिए वो चेंज होता रहता है और आपको वो चेंज डिलीवर करना पड़ता है अगर बड़ा एम्पायर खड़ा करना है तो। हेल्दी कॉम्पिटिटर होना चाहिए। एक सिंपल उदाहरण दूंगी, एक वॉश आता था, बहुत बढ़िया क्वालिटी का था और अच्छे कंपनी का था, लेकिन उसके दूसरे कॉम्पिटिटर ने क्या किया? खुद का एडवर्टाइजिंग नहीं किया, उसने उसके सब प्रोडक्ट खरीदी किए और उसको लेबल लगा के कोई और लेबल से बेच दिया। अभी क्या हुआ? मार्केट में वो नाम से प्रोडक्ट लेने को जाएंगे तो अवेलेबल नहीं है। तो अवेलेबल क्या है? ये अवेलेबल, अपने
बेचता गया और लोग वो ब्रांड खरीद गए। मैं वो ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत बढ़िया ब्रांड था और आज वो ब्रांड अस्तित्व में नहीं है। कॉम्पिटिटर ने बहुत अच्छे से चैलेंज लेके उसको कॉम्पिटिशन से निकाल दिया। सो यू हैव टू फेस दिस अनहेल्दी कॉम्पिटिशन ऑल्सो इन द मार्केट। हेल्दी कॉम्पिटिशन हर वक्त मिलेगी, ये भरोसा मत रखना, लेकिन आप किसी के साथ हेल्दी कॉम्पिटिशन जरूर रखना। अनलिमिटेड मार्केट रिस्क, कोरोना आया था, बहुत लोगों को, बहुत व्यक्ति और वस्तु को घर पे बिठाया, व्यक्ति को भी घर पे बिठा दिया और वस्तु को भी चलने से घर पे बिठा दिया। दिस इज अनलिमिटेड एंड अनएक्सपेक्टेड मार्केट रिस्क हो सकता है। या तो ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो ऑन टाइम डिलीवर नहीं हुआ, शेल्फ वैल्यू मतलब रखने की वैल्यू कम है, वो 10 दिन में ही खर्च करना है या तो 1 महीने में, अगर 2 महीने वैसे ही शेल्फ पे रहा तो वो खत्म। अगर बड़ा एम्पायर बनाना है तो इन सब चीजों से जाना पड़ेगा। क्या हम ये कर सकते हैं? हमारे पास बहुत बड़े सपने हैं, बहुत बड़ी इच्छाएं हैं, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ये चीजों से जाना एक व्यक्ति के लिए संभव है क्या? इसके लिए बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा वरदहस्त ऊपर से प्रेशर चाहिए रहता। आई वेलकम यू इन सच अ रिसोर्सेज कि ये सब चैलेंजेस से हम निकल सकते। 2 रिसोर्सेस है, एक नेचुरल और एक मैटर। नेचुरल मतलब जो आपको कुदरती मिलता है वो, और मैनमेड यानी जिसके लिए हमने संशोधन करके कुछ निकाला है। लेकिन ये 2 चीजें कौन यूज करता है? ह्यूमन रिसोर्स मतलब एक व्यक्ति, एक आदमी ये रिसोर्सेज यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं उस पर वो निर्भर है। चने की दाल सबको पता है? कितने लोगों को चने की दाल पता है? चने की दाल पता है तो तालियां होनी चाहिए ना। चने की दाल से आप क्या क्या बना सकते हो? मीठा बना सकते हो, खारा बना सकते हो, तीखा बना सकते हो। आपको क्या अच्छा लगता है वो बना सकते हो, दूसरों को क्या अच्छा लगता है वो बना सकते हो। चने की दाल एक ही है लेकिन 29 व्यंजन आप उससे बना सकते हो। आपके हाथ में ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ये चने की दाल है। आप कैसे यूज करते हो, खुद भी आप उसमें से हो, आपकी टीम भी उसमें से है, आप इसको कैसे यूज करते हो, आप उसको कैसे मोल्ड करते हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज तक चने की दाल के वहां देखा नहीं था ना, ये मीठा भी देता है, तीखा भी देता है, खारा भी देता है, सब कुछ देता है। 56 भोग में 50 चीजें तो चने की दाल की बनती है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स वैसे ही, आप कैसे यूज करना चाहते हैं आप वैसे यूज करोगे, जितने अच्छे से यूज करोगे आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। अकेले चलोगे तो लंबे जाओगे, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स एक टीम अच्छे से बना के चलोगे तो बहुत लंबा जाने के लिए, एक बड़ा अंपायर खड़ा करने के लिए आपको काम में आएगा। एक उदाहरण के तौर पे मैं देना चाहती हूँ, कितने लोग मुंबई ट्रैवल किए हैं? माही पुत्री माहिम की खाड़ी सबको पता है, सबको माहिम की खाड़ी पता है? कोई है जो माहिम की खाड़ी पता नहीं है? इसे दक्षिण मुंबई और दूसरे पूरा भारतवर्ष कनेक्ट करने के लिए ये माहिम की खाड़ी, मतलब 1945 में 2 दिग्गज जमशेदजी टाटा और नाना शंकर शेठ, इन्होंने देखा अंग्रेज दक्षिण मुंबई में बैठ के पूरा हिंदुस्तान में राज्य करते। तब उनको समझ में आया जो बीच में का खाड़ी है ना, वो पूरा भारतवर्ष को, दक्षिण मुंबई को तोड़ रहा है। इन्होंने देखा जब स्वतंत्र होगा, आजादी होगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चीज रहेगी कि ये दक्षिण मुंबई जहां से अंग्रेजों का कारोबार चलता है उसको जोड़ दिया जाए, खुद के
खर्चे से 3.5 लाख रुपए 1945 की बात कर रही हूँ। हमको आजादी कब मिली? 1947 में। दूरदृष्टि क्या होती है ना? दूरदृष्टि। विजन क्या होता है? इन्होंने एक साथ आके इंडस्ट्रियलिस्ट और ये सामाजिक काम करने वाले दोनों एक साथ आए, खुद के जेब से 3.5 लाख रुपए 1945 में डाल के इन्होंने खाड़ी बंद करके पूरा रास्ता बना दिया। आज हम आसानी से उस रास्ते से चर्च के भूमि तक ट्रेवल करते हैं और वही दक्षिण मुंबई जो पूरा भारतवर्ष में अंग्रेज कंट्रोल कर रहे थे, आज हम वहां से शासन कर रहे हैं। एक दूरदृष्टि, एक विजन। 1947 में आजादी मिली, लेकिन 1945 में इन्होंने ये पूरी खाड़ी अपने लिए खुली कर दी। तालियां होनी चाहिए। एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक सामाजिक व्यक्ति एक साथ आके एक दूरदृष्टि से काम करे। वैसा ही एक दूरदृष्टि हमारे सर ने भी किया, डॉक्टर लेंस योजना। क्या मिलेगा? आप कभी भी किसके साथ बैठते हो
समय देता है, गलत फहमी में मत रहिएगा, वो आपको समय दे रहा है, वो खुद को समय दे रहा है कि मैं इसके साथ मेरे लिए क्या कर सकता हूं। अगर मैं यहां पे आई हूं तो मेरा स्वार्थ इतनी बढ़िया लोग आज जिनको मैं बिजनेस के बारे में बात करूंगी तो वो डीएक्सएन का बिजनेस खुद के लिए और समाज के लिए बढ़ाएंगे। कोई भी व्यक्ति भूख के बिना और स्वार्थ के बिना कहीं पे नहीं आता है। बिजनेस प्लान इज वन ऑफ दैट कि मुझे इससे क्या मिलेगा, कि मैं इससे क्या ले सकता हूं। सिस्टम बहुत जरूरी, एक मिठी मिठाई सिस्टम, आपको सिस्टम तैयार करनी है नहीं, एक ऐसी रेडी सिस्टम जहां पे सिर्फ खुद को ढालना है, उसमें बिठाना है, खुद को उसमें कन्वर्ट करना है और आपका भी सोर्स उसमें शुरू हो जाएगा। ये सिस्टम बहुत मायने रखती है एंड आई वेलकम यू टू माय ड्रीम कंपनी ब्यूटी कंपनी। और उसका नतीजा, उसका अच्छा असर हमने कोरोना में लिया है। कितने लोगों ने कोरोना में डीएक्सएन प्रोडक्ट भर भर के खाए, भर भर के खाए, खुशी से रहे। बाहर कितनी भी हलचल हो रही थी, हम घर में शांति से रहे थे और एक अलग चीज हुई थी, बाहर लोगों की नौकरियां जा रही थी। मैं खुशी से नहीं कह रही हूं, लेकिन ये वक्त था कि नौकरी जा रही थी, धंधे बंद पड़ रहे थे और हमारा इनकम उस वक्त बढ़ रहा था क्योंकि हम लोगों को सर्विस दे पाए। पीपल बिहाइंड द प्लान वॉज वेरी गुड, प्रोफाइल अच्छी थी, प्रोडक्ट अच्छे थे और हमारा वाउचर हमारे अकाउंट में अच्छे से आता था। एक सिस्टम जो डॉक्टर लीन ने बनाया है वो अच्छे से काम किया। आज 30 साल में 222 कंट्री, अरे एक दूसरे गली में भी एक नया ऑफिस खोलना है ना तो भी हम सोचते कितना इन्वेस्ट होगा, वहां का वो क्या रहता है, सर्टिफिकेट लेना रहता है, गुमास्ता या तो जो भी अप्रूवल है, ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ। 222 कंट्री, अलग अलग देशों के अलग अलग नियम, 30 साल में अगर जो कंपनी पार करती है तो उसके साथ रहना है कि सिर्फ साक्षीदार रहना है, रहना है क्योंकि 222 ऊपर का 22 छोड़ दो, सिर्फ दो जगह पे भी ऑफिस खोलना रहेगा ना तो हिल जाते। 222 राष्ट्रों में अनेक ऑफिस डीएक्सएन ने अगर खोले हैं तो वो केवल और केवल प्रामाणिक बना उनका काम आया है। और उसके लिए कौन काम कारीगुद है, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े साइंटिस्ट है, डॉक्टर लीन सीओजे खड़े होके उनके लिए तालियां होनी चाहिए। और मैं बिनती करूंगी वाले हैं, वो पूछ रहे हैं ब्लैक कॉफी मिलेगी क्या। कोरोना में इम्यूनिटी
रोग प्रतिकारक शक्ति का बादशाह हमारे पास बैठा है, सम्राट हमारे पास बैठा है कैनोडर्मा। तालियां होनी चाहिए। मैं पूछना चाहती हूं, अगर आपका एक बैंक अकाउंट है और वो वापी में है, बराबर है, आपको चेकबुक लेना है, चेकबुक, एक सिंपल उदाहरण देखो, एकदम सिंपल उदाहरण देखो, चेकबुक आपको लेना है, वापी में अकाउंट है, बैंक अकाउंट, क्या मैं पालघर में चेकबुक ले सकती हूँ? कितने लोगों को पता है पालघर में नहीं ले सकती। मैं ऑपरेट कर सकती हूँ क्योंकि अभी ग्लोबलाइज हुआ है, लेकिन चेकबुक के लिए मुझे वापी ही आना पड़ेगा, ओरिजिनल ब्रांच। लेकिन बीएसएल ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वन वर्ल्ड वन मार्केट, मतलब आप कौन से भी यहाँ पे ज्वाइन हुए हो, वहां पे रजिस्ट्रेशन किए हो, लेकिन वर्ल्ड वाइड आप बिजनेस कर सकते हो। और एक भी व्यक्ति आपके साथ चल पड़ा, एक भी व्यक्ति, एक भी टीम आपके साथ चल पड़ी, क्या इनकम आ सकता है? वन लेग इनकम आ सकता है? Yes. कितने लोगों को पता है कि वन लेग इनकम आ सकता है? खड़े हो जाइए, तालियां होनी चाहिए। एक आदमी को एक हीरा भी मिल गया था वन वर्ल्ड वन मार्केट में, एक हीरा भी मिल गया था, आपका ताज कंफर्म हो गया। ये फैसिलिटी एक ही कंपनी मिलती है, वो भी बीएसएल। तालियां होनी चाहिए। सिस्टम हमारे लिए काम करे, घर में माए होती है, कभी बैठती है क्या सोते थे? अभी बैठी है यहाँ पे, लेकिन आप देखोगे वो सिस्टम आपके लिए काम करती रहेगी। पानी चाहिए, पढ़ाई चाहिए, बच्चा क्या कर रहा है, अगर बुजुर्ग है तो उनको दवा पानी दिया है, दैट्स अ सिस्टम। और ये आदमी सी मदरहुड सिस्टम है जो आपको नॉलेज ट्रेनिंग आपके अपग्रेडेशन के लिए काम करे, आरबीसी सिस्टम के लिए काम करना चाहिए। इसके लिए प्रोफेसर वसुपाल जी को और डॉक्टर रत्ना मैडम के लिए तालियां। अगर मेरे बच्चे कुछ तकलीफ में है तो मैं उनको सिस्टम के हिसाब से क्या दे सकता हूं?